राजू चौधरी और स्वागत है आप लोगों को राजू सोनी यूट्यूब चैनल में। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, देखिए ऑटो रिक्शा में हम बैठे हुए हैं और अभी हम चल रहे हैं रामदयालू, और रामदयालू चलकर वहाँ से बस पकड़ेंगे पटना के लिए। आज हम जा रहे हैं पटना, तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, ऑल कीजिएगा। कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगा। अगर आप लोग हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ इंस्टाग्राम का आईडी है, वहाँ भी जाकर आप लोग फॉलो कीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं अपने फ्रेंड के ऑटो में बैठे हुए हैं, देखिए ये हमारे फ्रेंड है, ये ऑटो वाले काफ़ी पुराने फ्रेंड है। तो अभी हम अघोरिया बाज़ार से आ रहे थे, इन्होंने हमें मिल गया है, तो हम सोचे चलो इन्हीं के ऑटो से हम बैठ के चलते हैं रामदयालू। आज का वीडियो जो है से एकदम खास होने वाला है और हम चलते हैं पटना और कुछ नई चीज़ को हम आप लोगों को इस वीडियो के मार्फत से दिखाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। पटना जाने का हमारा रीज़न था कि अभी जो है से कि काफ़ी सारे आदमी हमारे कुछ सब्सक्राइबर है पटना के, उन्होंने बोला है कि भैया आप पटना आइए, वुमेंस कॉलेज के पास एक प्रियंका चाय वाली है, उनको एक्सप्लोर करिए। तो आज हम जा रहे हैं वुमेंस पटना वुमेंस कॉलेज के पास जो प्रियंका चाय वाली है, उसका अपडेट लेने के लिए। आप लोगों को इस वीडियो के मार्फत से हम बता रहे हैं, आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। और हम चलते हैं रामदयालू से पटना तक और आप लोगों को हम दिखाते हैं कौन सा बस से चलेंगे और कैसे चलेंगे। आप लोग हमारे साथ वीडियो में कर ले, भाई थोड़ा हाई कर दे रहे यार। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, चलिए देखते हैं हमारे पास कितना टाइम निकलेगा पटना जाने के बाद, और टाइम निकलेगा तो दो चार अपडेट ले ही कर वहाँ से हम आएंगे। तो गाइस फाइनली हम बस में बैठ गए हुए हैं, रामदयालू से हमारी बस मिल गई है, और जो है से कि अभी काफ़ी जाम लगा हुआ है रामदयालू में कि आपको क्या बताएं। सुबह 8 बजे ही हम घर से निकले हैं और 10 बज रहा है, अभी 10 बज रहा है, रामदयालू में ही हम हैं। देखते हैं कि कब तक पहुंचते हैं पटना, क्योंकि वहाँ काफ़ी जाम लगी हुई है। आप लोगों को हम बैक कैमरा से दिखाते हैं और आगे चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ तक हमें जाम मिलता है। फाइनली हम लोग बस में बैठे हुए, हम लोग क्या हम अकेला जा रहे थे, एक फ्रेंड और हमारे साथ जाने वाले थे पर वो नहीं गए, हमें अकेला ही जाना पड़ा। देखते हैं कि कहाँ तक ये जाम लगा हुआ है, जाम का स्थिति क्या है, कहाँ तक बना हुआ है। और मुजफ्फरपुर में तो भाई अक्सर हर जगह पर आपको जाम मिलेगा, हर जगह जगह पर आपको जाम मिलेगा। चलिए देखते हैं कि कब तक हम पटना पहुंचते हैं और आप लोगों को भी हम दिखाते हैं बताते हैं। अभी लगभग 10 बज गया, 2 घंटा हमें लग गए यहाँ पे। आपको बैक कैमरा से दिखाते हैं, देखिए कितनी लंबी मतली की गाड़ी की लाइन लगी हुई है, देखिए आप लोग देख सकते हैं, देखिए कितनी लंबी बस का लाइन लगा हुआ है। आपको बैक में भी दिखाते हैं, देखिए बैक में भी आप लोग देख सकते हैं, देखिए आपको हम बैक में भी दिखा रहे हैं, देखिए कितनी लंबी जाम लगी हुई है। और पता ना समझ में नहीं आ रहा है कि कब तक हम इस जाम से छुटकारा पाएंगे। और अभी हम केबिन में बैठे हुए हैं, देखिए शायद हैं चला रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो भाई जब भी हम लोग पहुँच गए हैं रामदयालू विश्वकर्मा मंदिर के पास, आप लोग देख सकते, देखिए ये विश्वकर्मा मंदिर, इसका भी अपडेट हम आप लोगों को काफ़ी पहले देख चुका हूँ और आप लोग देखे ही हैं। और इस रास्ते से जो भी मतलब कि छोटी बड़ी गाड़ी गुजरती है जाती है वो यहाँ पे ब्रेक लगाना ही है, क्योंकि यहाँ जो है मंदिर रहते हैं वो अगरबत्ती और प्रसाद, यहाँ पे हर एक गाड़ी रुकती है, देख सकते हैं। देखिए कुछ जाम से पाए हैं, आगे देखते हैं चलते हैं, देखिए कि आगे क्या स्थिति है जाम का।
तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं पटना वुमेन्स कॉलेज के हम पास में आए हुए हैं, और यहाँ जो हम आप लोगों को रास्ते में ही बताएं कि पटना हम चल रहे हैं, और पटना के जो ये प्रियंका नाम के जो चाय वाली हैं उनसे अभी हम आप लोगों को मिलाएंगे। तो अभी हम यहाँ आए तो देखें कि मतलब कि इनका चाय का दुकान आज बंद है, पर प्रियंका जी तो नहीं मिली, पर प्रियंका जी का जो है से कि चाय का काउंटर मिल गया है, जो अभी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। आप लोग देख सकते थे कि यहाँ पे सामने प्रियंका जी का चाय काउंटर है, और यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं चाय वाली पीना ही पड़ेगा, मतलब कि इन्होंने बोल रही कि चाय पीना ही पड़ेगा। और इन्होंने एक चीज़ और लिखी हुई है, लोग क्या सोचेंगे अगर ये भी हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। देखिए काफ़ी अच्छा लिखे हैं, और चाय वाली वेलकम यू वे इन्फ्यूज द टी लव यू हैप्पीनेस। आप लोग देख सकते हैं प्रियंका जी नहीं मिली, और इतने दूर से हम आए हैं मुजफ्फरपुर से, सोचे कि यहाँ चलते हैं प्रियंका जी से बात करेंगे, पर उन्होंने नहीं मिली। और जो है कि इनका काउंटर आज बंद है, और आजू बाजू में देखते हैं ये भैया लोग जो हैं शॉप इन लोगों से पता करते हैं कि आज दुकान खुला है कि नहीं। भैया ये चाय का दुकान आज खुला ही नहीं है कि खुल के बंद हो गया? आज खुला ही नहीं है, जैसे कि भैया बता रहे हैं आज ये चाय का दुकान खुला ही नहीं है। भैया ये रोज़ खुलता है चाय का दुकान? हाँ ये तो रोज़ खुल रहा है अभी फिलहाल में जी, फिलहाल में तो अभी रोज़ खुल रहा है, फिलहाल में अभी रोज़ खुल रहा है, जैसे कि भैया बता रहे फिलहाल में अभी रोज़ खुल रहा है, पर आज नहीं खुला है। आज दिन भी अच्छा है, मंडे है क्या? प्रियंका जी का चाय का काउंटर ही सिर्फ दिखा है, और एकदम देख सकते हैं आप लोग पटना वुमेन्स कॉलेज, देखिए वो पटना वुमेन्स कॉलेज के एकदम गेट पे ही उनका छोटा सा काउंटर है, लोहा का काउंटर है। हम आप लोगों को नज़दीक से एक बार और दिखाते हैं, देखिए आप लोग देख सकते हैं छोटा सा काउंटर है, यहाँ पे इनका ताला वाला भी लगा हुआ है, और यहाँ पे उनका पेटीएम का भी वो मतलब कि ये बार कोड स्कैनर लगाया गया है, आप लोग देख सकते। तो चलिए मेहनत मेरा बेकार चला गया, उतना दूर से हम आए हैं, सोचे प्रियंका जी से चलते हैं इनसे बात करते हैं, पर उनसे बातचीत नहीं हुई है। तो नेक्स्ट बार देखेंगे, नेक्स्ट बार अगर आएंगे तो अगर मिलेंगे तो इनसे बात करेंगे, और भी चीज़ इनसे पूछेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।